सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करके कैसे आप उसमें इंटर साउंड ला सकते हैं और कैसे आप उससे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम तो पूरा बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, बट फ़ोन का जो इंटर साउंड होता है वो कैसे पीसी में जाता है। ये हमारा पबजी मेरे पीछे ओपन करके रखा है। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। ये पीछे मेरा कैमरा भी शो कर रहा होगा यार। तो मेरा पीसी है और पीसी मैंने आप पावर ओपन करके रखा हुआ है। मैं फिलहाल तो यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा कनेक्टिंग है पहले से, तो पता नहीं है आपको। इसको पहले मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, ओनली दो ही चीज़ें चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खर्चा करने की लोड नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे पूछ लेंगे, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। इतना तो नॉर्मल सा है। इसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको फ़ोन दिखाता हूँ, ये मेरा फ़ोन है। कैमरा थोड़ा इस तरफ करो। हाँ, ये मेरा फ़ोन है। अब इंटर साउंड कैसे जाएगा फ़ोन से पीसी में? इंटर साउंड कैसे जाएगा? तो काफ़ी सारे पूछते हैं और काफ़ी सारे बंदों का जो है, जब वो कनेक्टिंग करते हैं तो आप पावर से कनेक्ट करते हैं तो उनका जो है, उनका साउंड नहीं जा पाता है पीसी में। उनका साउंड नहीं जा पाता है। वो पीसी में साउंड इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, वो आपके फ़ोन के अंदर होनी चाहिए। या तो आप गलत, फिर कुछ मतलब जब आप कनेक्टिंग करते हैं तो उसमें आपका कुछ इशू होते हैं, अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसमें देखो, खाली आपके फ़ोन के अंदर जो है एक चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़। अगर वो चीज़ फ़ोन में है तो आपको सिर्फ नॉर्मली अपने पीसी में आप पावर डालना है और इंटर साउंड चला जाएगा। फिर पीसी से आप इंटर साउंड एक बार पीसी में चला गया, फिर आप चाहे लाइव स्ट्रीम करो, चाहे रिकॉर्ड करो गेम प्ले, जो मर्जी करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस आपके फ़ोन में जो है कास्ट होना चाहिए। ये कास्ट जो लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये कास्ट जो है ना फ़ोन के अंदर इन बिल्ड रहना चाहिए। इस कास्ट को आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या कहीं से भी डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड तो हो जाएगा। पीसी वाला आप पावर जो है डाला हुआ, आप पावर मिररिंग जो है ये भी कनेक्ट हो जाएगा, बट उसमें इंटर साउंड नहीं जाएगा। फिर आपका इंटर साउंड इसलिए नहीं जाएगा फिर उसमें, क्योंकि उसमें आपको फिर सेपरेटर वगैरह यूज करने पड़ेंगे और वो आपको यहाँ पे इसमें यूज करने पड़ते हैं, यहाँ पे इस पोर्ट में आपको यूज करने पड़ेंगे। सेपरेटर मेरे पास पड़ा है, मैं बता देता हूँ। वैसे सेपरेटर का कोई काम नहीं होता यार, सेपरेटर का कोई ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। सेपरेटर एक तो है कि जब आप सेपरेटर लगाओगे तो ये रहा सेपरेटर, ये हमारा सेपरेटर होता है। जब आप इसमें देखो, इसमें लिखा होता है, मैं देखो बना हुआ है माइक बना हुआ है और इस साइड ही बना हुआ है। इसको आप लगा तो लोगे नॉर्मल, जैसे आप प्ले स्टोर से आप पावर डाल के जिसके फ़ोन में कास्ट नहीं है तो आप इसको लगा भी लोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका माइक लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा हेडफोन, फिर आपकी तीन चीज़ें मतलब एक साथ लगेगी, तो तब जाके आपका जो है फिर साउंड वहाँ पे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनके फ़ोन के अंदर कास्ट नहीं है, इनबिल्ड कास्ट नहीं है। वैसे तो काफ़ी बड़ा होता है यार, पकड़ में भी दिक्कत आती है, गेम खेलोगे तो ऐसे लगाना पड़ेगा, इतना भारी होता है। तो काफ़ी सारे ये तो बेकार के होते हैं यार, मैं तो इनको यूज नहीं करता हूँ। मैं लेके आया था उसे एक टाइम पे, तो इसका तो काम नहीं है, ठीक है, इसका हम कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये लगाओगे तो फिर पीसी में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें, साउंड कार्ड वगैरह कुछ यूज करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली सा फंडा रखेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ बिल्कुल नॉर्मली सा कुछ ही करना, जाके कनेक्टिंग करने में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सिंपल है, फ़ोन के अंदर कास्ट होना चाहिए। जिसके फ़ोन के अंदर कास्ट है, ये वाला मेरे फ़ोन के अंदर इनबिल्ड कास्ट है, और यहाँ पे देखो मेरे आप पावर अपने पीसी में डाला हुआ है तो उसका नाम आ रहा है अपने आप कि आप पावर सॉफ्ट, और आगे नाम लिखा रहा है। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है उस चीज़ को, ये ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ को ना कनेक्ट कर लेता है, जो फ़ोन का जो कास्ट होता है। और पीसी का जब आप पावर ओपन करोगे तो आप ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे शो कर देगा आपको। अब देखो मैं आपको बता, ये हमारी सेटिंग है। अगर आपको ऐसे बाहर किसी का इन यहाँ पे नहीं शो कर रहा हो कि किसी के फ़ोन में कास्ट है या नहीं है, तो आप यहाँ पे जाओ डिस्प्ले में, डिस्प्ले में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट, ये लिखा रहा वॉलपेपर के ऊपर, यहाँ पे कास्ट है, ये यही चीज़ बाहर है, ये तो बाहर निकल जाती है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे स्लाइड करके तो यहाँ पे आ जाती है। तो
अब आपने क्या करना है, खाली इस पे क्लिक करनी है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट कैमरा सर्व करूँ, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास जो अभी लगा हुआ है, मेरे पास जो हेडफोन है जिससे आपको आवाज़ जा रही है, मेरे पास ये वाला हेडफोन है, जेबरोनी का हेडफोन है ये, इसमें ये वाला तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ये आप पीसी में आपको लगाना पड़ेगा। इसमें ड्यूल पिन होती है, तो जब आप पीसी में लगाओगे, दो पोर्ट लगे होते हैं पीसी में, तो हेडफोन एक रहेगा, हेडफोन एक रहेगा बस। उसमें जहाँ पे वो पीसी में आप पिन लगाओगे, वहाँ पे दो पिन आएंगी आपकी, एक आपका माइक लग होगा और एक आपका दूसरा सिंपल होगा जो कनेक्ट करने का होता है। तो बस इसी से मेरा साउंड अभी जो है पीसी में जा रहा है और इसी से रिकॉर्ड हो रहा है। अभी चलो मैं कनेक्ट करके बता देता हूँ। ये देखो, ओ, ये आ गया हमारा, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कास्ट, ठीक है। पीसी भी थोड़ा आपको दिख जाएगा साथ साथ में दोनों चीज़ें, कि जब कनेक्टिंग होता है तो कैसा दिखता है। लेकिन एक्चुअली मेरे फ़ोन का ना कैम फ़ोन का तो दूसरा फ़ोन चाहिए था ना, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। मैं पीसी के जो वेबकैम लगाया है उससे बना रहा हूँ। सो ये आ गया, मैं ऊपर से इसको स्लाइड कर रहा हूँ, ये देखो टिक किया, कनेक्टिंग हो रहा है। ये देखो ये कनेक्ट हो चुका है, ये पीसी में यहाँ पे ये चीज़ आ गई, तो इस तरह से कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये काम तो आपका हो गया कि कार्ड से आपका कनेक्ट, फ़ोन जो है कनेक्ट हो गया पीसी से, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट आपका, ठीक है। अब देखो, अब भाई इसमें आप चाहे गेम चला लो, जो मर्जी चलाओगे पीसी पे आएगा डायरेक्ट आपका। सो मैं गेम ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे पबजी, मैं लाइट का ओपन कर रहा हूँ, ये चलो रे चलो पबजी। मैं छोटा कर रहा हूँ इस चीज़ को यार, बहुत बड़ी होता है ये, ऑटोमेटिक इतना बड़ा होता है, छोटा तो ऐसे कर रहा हूँ दिखाने के लिए, वैसे बड़ा रखना पड़ता है। ओए होए होए होए, बड़ा हो गया फिर से, ये छोटा हो जाए यार थोड़ी देर के लिए। ये लो ठीक है, ये फ़ोन है और फ़ोन का जो कार्ड जो कनेक्ट हुआ था पीसी में आ गया है। ये साउंड जा रहा है, मेरे हेडफोन में साउंड जा रहा है, पूरा जा रहा है। तो कई बोलते थे कि साउंड नहीं जाता, कई लोग बोलते हैं कि इसमें कान हेडफोन में साउंड नहीं जाता है, हम टीममेट से बात करते हैं तो उनको साउंड कैसे जाएगा। ये मैं एक बता देता हूँ, मैं किसी को ऐड करता हूँ, आपको पता लग जाएगा फिर। ये देखो, तो दोनों चीज़ें ना कनेक्ट हो चुकी है, नॉर्मली कुछ नहीं किया है, सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कास्ट फ़ोन का जो होता है इनबिल्ट कास्ट जो होता है उसको यूज किया, और आप पावर जो है गूगल पर, गूगल से ले, मतलब गूगल पे सर्च करके ले लिया पीसी में आप पावर सॉफ्टवेयर, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 70 MB का कुछ ऐसा होगा। तो मैं किसी को बुला रहा था कि आपको उसमें साउंड सुनाई दी जाए मेरे हेडफोन में, वैसे हेडफोन में तो साउंड जा ही रहा है। अब होता पता क्या है, जब बंदे इसको कनेक्ट तो कर देते हैं, फिर कनेक्ट करने के बाद बंदे जब उसमें बोलते हैं कि हमारे टीममेट से हम बात कर रहे हैं तो आवाज़ नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं जा रहा है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। टीममेट का आवाज़ कैसे आप बात करोगे टीममेट से, इसके लिए आपको ना एक लीड लेनी पड़ेगी, ये लीड तो पड़ी होती है सबके साथ, सबके घर में, ये कोई भी ले लेना जो आपके फ़ोन के पास चली हो, कुछ भी चली हो। ये देखो ये वाली, ये वाली तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। अब ये काम करती है आपके माइक का, ठीक है। अगर आपने टीम मेट से बात करनी है, मैं डिस्कॉर्ड भी यूज करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं डिस्कॉर्ड से ही बात कर लेता हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं डिस्कॉर्ड पे बोल देता हूँ सबके डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, तो मुझे इसका जो अलग जो माइक होता है इसको लगाने की मुझे लोड़ नहीं पड़ती है। ये इसके अंदर माइक होता है, ये माइक का काम करता है आपका। जब आप इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे इस चीज़ को, और दूसरा हेडफोन आपके पीसी में लगा होगा, ड्यूल पिन को वाला लगा होगा, तो हेडफोन तो यार ड्यूल पिन का लेना अगर किसी ने लेना होगा जाके, क्योंकि वो वही होता है, पीसी वाले हेडफोन वही होते हैं, क्योंकि आपने पीसी से कनेक्ट करना है तो पीसी में साउंड जाएगा, तो एक में माइक आपका लगेगा लगेगा। अब ये जो काम करता है, ये आपका माइक तब काम करता है जब आप गेम ओपन करते हो, और गेम में आपका साउंड जो है बंदों को जाएगा, बंदे का साउंड आपको आपके मतलब आपको आएगा। खैर, तो यहाँ पे कोई लौंडे मुझे दिख रहे हैं, कहाँ पे गए सारे के सारे।
ये सर्वर यूरोप का बता रहा है, एक मिनट। मैं किसी को बुलाना था यार, ताकि आपको इससे पता लग जाए कि बंदे का साउंड कैसे आएगा और क्या क्या सीन होते हैं इसमें। तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए और हो जाएगा आपका कनेक्टिंग। फ़ोन के अंदर इनबिल्ट कास्ट होना चाहिए, इनबिल्ट फ़ोन के अंदर, और पीसी में आपने डालना है। डाटा केबल से नहीं कनेक्ट करना है आप पावर, और कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ कास्ट से ही कनेक्ट करना है, जो ये वाला कास्ट है, ये वाला, ये जो लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे इसका नाम आ गया, देखो यहाँ पे नाम आ जाता है आप पावर, ये कनेक्टिंग है यहाँ पे, कास्ट है जो ये कनेक्टिंग है यहाँ पे। तो बाकी आपने और कोई चीज़ इसमें कुछ नहीं ज़्यादा करना है, सेपरेटर लगाने, ये लगाने, वो लगाने, कुछ नहीं करना है। मैं कि एक बंदा बुलाता हूँ यार, किसको बुलाएं किसको बुलाएं, मेरे में एक ही ऑनलाइन है, एक तो अभी यहाँ पे कमल ने भेजा था आज, कौन सा बंदा है, PGHYT। ओके सो ये एक बंदा यहाँ पे ऑनलाइन आया, मैं इसको बुलाता हूँ। स्मूथ चलता है यार, कुछ नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा जब आप स्ट्रीम करते हो तो फ़ोन पीसी के साथ कनेक्ट होता है तो थोड़ा स्लो, थोड़ा सा FPS ना आपको मिल नहीं पाता है अच्छे से, FPS थोड़ा सा FPS कम होगा, ज़्यादा में नहीं होगा, बट इतना हो जाएगा कि स्ट्रीम कर सकते हो आराम से, और रिकॉर्ड भी गेम प्ले कर सकते हो। हाँ थोड़ा लैग चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी इस बंदे को ना मेरा साउंड नहीं जा रहा, मैं इसको साउंड लाता देना। हेलो हेलो, ये आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, ये कोई बच्चा है क्या? हाँ ये बच्चा है, इसकी आवाज़ आ रही है, ये हाँ एक मिनट एक मिनट। तो ये एक मिनट रुको जाओ, मैं थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कराऊँ यहाँ पे, रुको। PGYT आप माइक बंद कर लो अपना, ये PGYT बंद करो माइक। कमल आवाज़ आ रही है? हाँ स्ट्रीम करता हूँ, रुक जाओ। अच्छा देखो ये बंदे आ गए मेरे साथ में यहाँ पे, सो अभी इनका साउंड कैसे आएगा मेरे पास? अभी मैं से स्पीकर से लगा के बोल रहा हूँ ऐसे, एक मिनट। ये देखो मैंने अभी इसमें कुछ भी लगाया फ़ोन में, सो मैं खाली इनको ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे 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 बोल रहा हूँ खाली, ठीक है? तो अभी इनको साउंड मेरा कैसे जाएगा? ये तो स्पीकर पे है ना, स्पीकर पे। अभी देखो मैं खाली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये वाली पिन ना अपने अटैच करनी है यहाँ पे, ये वाली। अभी इनका साउंड जो मेरे मेरे जो माइक लगा है, मेरा हेडफोन लगा है कानों में, उसमें चला जाएगा। ये आवाज़ आ रही है कमल? हेलो, आ रही है, आ रही ये। ओके ओके, ये देखो अभी इनका आवाज़ जो है ना यहाँ पे आ गया, इस बच्चे को बाद में लेंगे। अभी देखो इनका आवाज़ ना यहाँ पे, टीममेट का आवाज़ जो है आपको यहाँ पे ना सुनाई दे रहा है। काश जब आप यूज करते हैं तो मैंने यहाँ पे खाली सिर्फ ये चीज़ लगाई और ये चीज़ करती है आपके काम माइक का, कि जब तक आप ये चीज़ यहाँ पे नहीं लगाओगे तब तक आपका जो है साउंड नहीं जाएगा बंदे को, ना टीममेट का आपको आएगा ना उसका आएगा। अब आपने ये चीज़ यहाँ पे लगा दी तो आपका पूरा का पूरा साउंड जो है PC में जा चुका है, ठीक है? मैं एक बार आपको फिर से एक चीज़ और ओपन करके बता देता हूँ, मेरा स्ट्रीम लैब होगा कहीं पे, देखो पूरा कनेक्टिंग हो चुका है, कुछ ही करने से मैं कनेक्ट हो गया पूरा। ये स्ट्रीम लैब है, मैं स्ट्रीम लैब यूज करता हूँ। अब देखो स्ट्रीम लैब में, ओहो कहाँ गया है, क्या क्या चीज़ें, एक मिनट। स्मार एलिमेंट, ओके 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 ओके, ये देखो यहाँ पे ना कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखो माइक का बताता हूँ, माइक और इसका। तो नीचे कर, ये देखो यहाँ पे मेरा OBS ही है, मैं OBS स्ट्रीम लैब करता हूँ यूज, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा माइक चल रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ तो माइक जा रहा है, वहाँ पे आवाज़ आ रहा है। और ये जो ऊपर है ये रहा डेस्कटॉप का, आपका गेम का साउंड, ये देखो ये ब्लिंक करता है, लाइट करता है ऐसे, उसमें साउंड जा रहा है।
देखो साउंड जा रहा है यहाँ पे, ब्लिंक करता रहेगा जब भी मैं फोन में कुछ चला रहा हूँ। ये गेम, ये है आपका जो इंटर साउंड है, गेम का साउंड रहेगा, ये पूरा पूरा ऐसे जाता रहेगा। तो इसमें यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कमल साउंड आ रहा है ना? हाँ जी, देखो आपका पूरा साउंड ऐसे चला गया। तो गाइज इसमें इतना ज़्यादा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको कुछ अगर नहीं पता लगे। तो वीडियो लंबी हो गई बट देख लेना ठीक है। तो आपका सारे यहाँ पे इशू जो है सॉल्व हो गए ठीक है, कुछ पता ना लगे तो बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।